सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि दाचुन को हर जगह यंग हू ही नज़र आ रही थी। वो ये सबसे इतना परेशान हो गया था कि जब रियल में यंग हू उसके सामने आती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और मारता भी है, लेकिन बहुत जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये रियल यंग हू है। असल में यंग हू यहाँ पे अपना सामान पैक करने के लिए आई थी। उसने दाचुन के घर को गंदा देखा तो उसने वो साफ कर दिया और उसने उसके लिए खाने के लिए भी कुछ बनाया था। दाचुन जब यंग हू का गुस्से वाला फेस देखता है तो डर जाता है और कहता है कि जो भी मैंने कुछ कहा उसे सीरियसली मत लेना, वो सच नहीं है। यंग हू भी उसके बात पे विश्वास कर लेती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। दाचुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। इधर लुशियाओ को पता चल जाता है कि शैनलुओ अपने घर में नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाता है और बाद में उसे शैनलुओ मिल भी जाती है जो कि जुलैन के साथ थी। वो उधर शैनलुओ को फैंग के साथ वापस घर भेज देता है और जुलैन को धमकी देता है शैनलुओ से दूर रहने के लिए, जिसके बाद वो घर आके पहली बार शैनलुओ को स्टिक से पनिश करता है। वो उधर शैनलुओ को उसकी गलती मानने को बोलता है लेकिन शैनलुओ तो जिद्दी, वो अपनी गलती नहीं मानती। असल में उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, उसकी नज़र में किसी को प्यार करना कोई भी गुनाह नहीं है। कुंग हुआ भी उसके घर आता है और उसे भी पता चल जाता है कि शैनलुओ को पहली बार उसके भाई ने मारा और इसके पीछे जुलैन है। वो उससे उधर पूछता है कि क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करती हो, तो वो उधर बहुत प्राउड से कहती है कि हाँ, मैं उसके साथ सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, भले ही वो हैप्पीनेस या सैडनेस ही क्यों ना हो। ये सुनते ही हम वहाँ पे देखते हैं कि क्विंग हाओ को बुरा लगता है लेकिन वो उसे दिखाता नहीं, और जब वो अपने सर्वेंट लियांग के साथ घर जा रहा होता है तो वो वहाँ पे उसे कहता है कि मैं अब शैनलुओ पे गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। असल में आज उसने देख लिया था कि शैनलुओ जुलैन से कितना प्यार करती है और वो उसी के साथ खुश है, इस वजह से वो शैनलुओ की खुशी के लिए गिव अप करने को तैयार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने शैनलुओ को प्यार करना छोड़ दिया। लियांग उधर खुश होकर उसे कहता है कि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट आदमी हो, अगर मैं वुमेन होता तो मैं ज़रूर आपसे ही शादी करता। इधर लुशियाओ जुलैन को मारने का डिसाइड कर लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जुलैन, गैंगजी और जिनलिंग ये सभी लोग मिलके प्लान बनाते हैं उस न्यू शिपयार्ड में जाने का और देखने का कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। इसीलिए वो सभी लोग प्लान बना के उसके लोकेशन तक पहुँच जाते हैं और न्यू शिपयार्ड में हम देखते हैं कि ये सभी लोग मरमैन के ही कुछ पार्ट से चैंगमिंग बोट को बना रहे थे। तभी वहाँ पे जिनलिंग और उसके सभी साथी मिलके उन पे अटैक कर देते हैं। इधर शैनलुओ को भी पता चल जाता है कि शिपयार्ड में लड़ाई हो गई है, इसीलिए वो भी शिपयार्ड के लिए चली जाती है। उसके पीछे पीछे दाचुंग भी चला जाता है। उसे जाते हुए लुशियाओ भी देख लेता है लेकिन वो उसे रोकता नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर शैनलुओ एक बार जुलैन की असलियत को जान जाएगी तो शायद वो जुलैन के साथ नहीं रहेगी। इधर शिपयार्ड में हम देखते हैं जहाँ पे दाचुन को पता चल जाता है कि यंग हू एक मर्मेड है। ये देख के वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उधर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी, वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो सभी लोग मर्मैन के ऊपर भारी पड़ रहे थे, और तभी वहाँ पे सिचुएशन संभालने के लिए आता है जुलैन, और शैनलुओ को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि जुलैन एक मर्मैन है। ये देख के वो वहाँ पे हैरान होती है। जुलैन वहाँ पे सभी से एक एक करके लड़ता है, फिर बाद में वो शिपयार्ड के बॉस का गला पकड़ लेता है और उससे हाई प्रीस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पे जो लकड़ियाँ रखी हुई थी वो उनके ऊपर गिर जाती है। वो वहाँ पे जुलैन को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे लुशियाओ का नाम ले पाता उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है, जिसके बाद जुलैन शैनलुओ को वापस उसके घर जाने को बोलता है और खुद वहाँ पे उन सैनिकों से लड़ता है। वो सैनिक कुछ ज़्यादा ही थे, इसीलिए वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए उन सभी सैनिकों को अपने पीछे भगा के डिस्ट्रैक्ट करता है। इधर दाचुन घायल यंग हू को अपने घर लेके आता है और उसके चोटों का इलाज करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे लुशियाओ को लग रहा था कि शैनलुओ अब जुलैन के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जुलैन एक मर्मेड है और अगर वो शैनलुओ से प्यार करता तो वो उसे अपनी सच्चाई बता देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे उस पर पूरा यकीन भी है। ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा इसके पीछे कि उसने मुझे अपनी असलियत नहीं बताई। लुशियाओ को यहाँ पे सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शैनलुओ पे चिल्लाता भी है। इधर यंग हू को होश आता है तो उसे पता चल जाता है कि दाचुन ने उसकी हेल्प की और उसे बचाया,
तो वो उसे यहाँ पे थैंक यू बोलती है। यहाँ चैंगली टाउन में हर जगह ये बात फैल चुकी थी कि मरमैन ने इंसानों पे अटैक किया है। इस वजह से उन लोगों को मरमैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शैनलुओ भी जब जुलैन को बाहर निकलने के लिए ढूंढती है तो वो भी ये सारी बातें सुन लेती है। इधर ब्लू केव में हम देखते हैं जहाँ पे जिनलिंग किंग को सब कुछ बता देता है कि कुछ इंसान है जो मरमैन्स को मार के उनसे चैंगमिंग बोट बना रहे हैं। और हम यहाँ पे साफ देखते हैं कि जो किंग है वो जब चैंगमिंग बोट का नाम सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में जो चैंगमिंग बोट है उसे एशियंट लेजेंड यूज़ करते थे लड़ाई के लिए, और उस बोट से ही ब्लू केव पर भी अटैक किया जा सकता है। यहाँ पे ये सभी लोगों को ये जानने में देर नहीं लगती कि इंसान ये बोट बना के मरमैन्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे किंग जिनलिंग को ऑर्डर देते हैं कि कुछ भी करो जल्दी से हाई प्रिस्ट को रेस्क्यू करो और चैंगमिंग बोट को डिस्ट्रॉय कर दो। इधर हम जुलैन को देखते हैं जो कि ब्लू केव में नहीं गया था, असल में उसे अभी चैंगली टाउन में रहना था और कुछ और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। शैनलुओ भी उसे बहुत मुश्किल से ढूंढ लेती है, वो वहाँ पे उसके चोट को देखना चाहती थी, लेकिन जुलैन यहाँ पे उससे बहुत रूड तरीके से बातें करता है जिसे सुन के शैनलुओ को बुरा लगता है, तो वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। इधर हम फैंग को देखते हैं जिसे कि जुलैन कहीं पर भी नहीं मिला था, इसीलिए वो ये बात आके लुशियाओ को बताता है। तो लुशियाओ भी यहाँ पे उसे कहता है कि चैंगली के हर एक घर में जाके ढूंढो और जितने भी मरमेंट तुम्हें मिले उन सभी को अरेस्ट कर लो। जिसके बाद वो सभी लोग सभी के घर जाते हैं और उन घरों में से एक घर दाचुन का भी होता है, वो उसके भी घर जाते हैं। अब दाचुन के घर में तो यिंगहु थी, उसे बचाने के लिए दाचुन उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है और अपने घर से बाहर भेज देता है। इधर शैनलुओ जब जुलैन के लिए दवाई लेके जा रही होती है तभी उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन क्विंगहुआ सही टाइम पे आ जाता है और उधर उसे बचा लेता है। वो उससे पूछता भी है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन शैनलुओ उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वो जब जुलैन के पास आती है तो वो उधर उसे बेहोश देखती है, जिसे देख के वो उधर परेशान हो जाती है। वो उसकी चोटों का इलाज करती है और फिर बाद में रोते हुए जुलैन को उठाने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जुलैन भी उठ जाता है। वो उधर उससे पूछता है कि मैं मरमैन हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो शैनलुओ भी कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मरमैन हो या इंसान, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम जुलैन हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये सुनते ही जुलैन वहाँ पे उसे किस कर लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे जुलैन कहीं पे जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में क्विंगहुआ रोक लेता है। जुलैन खतरा समझ के उससे लड़ाई करने लग जाता है और क्विंगहुआ को भी पता चल जाता है कि ये जुलैन है जिसने कि अभी तक सरेंडर नहीं किया। जुलैन वहाँ पे उसे चकमा दे के भाग जाता है। इधर यिंगहु जुलैन से मिलने के लिए जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका मास्टर ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में होगा, लेकिन अभी बाहर उसके लिए भी खतरा था जो कि दाचुन को भी पता था और वो भी उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन यिंगहु तो ज़िद्दी, वो तो उसकी बात नहीं सुनती और बाहर जाने लग जाती है। दाचुन भी उसे जाने से रोकता है। इसी चक्कर में यिंगहु गलती से दाचुन के हाथ में दरवाज़ा मार देती है जिसके वजह से उसे चोट लग जाती है। बाद में वो उसके हाथों में दवाई लगाती है और उसे सॉरी भी बोलती है। मौके का फ़ायदा उठा के दाचुन भी उसे बोलता है कि तुमने गलती की है तो अब तुम्हें इधर ही रह के मेरी देखभाल करनी होगी। यिंगहु पहले तो इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन बाद में वो उसके हाथ को देख के मान जाती है। फिर रात को हम देखते हैं जहाँ पे लुशियाओ शैनलुओ से क्विंगहुआ की बात कर रहा होता है और वो उसे उधर कहता भी है कि वो तुम्हारे लिए बेटर है, लेकिन शैनलुओ वहाँ पे उसे कहती है कि मैं उसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ और कुछ नहीं। उसका भाई वहाँ पे उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शैनलुओ उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे शैनलुओ को पता चल जाता है कि जुलैन का असली मकसद क्या है, हाई प्रीस्ट को बचाना और चैंगमिंग बोट को डिस्ट्रॉय करना, जिसमें कि शैनलुओ भी अब उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जुलैन उसे मना करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर था। लेकिन शैनलुओ तो ज़िद्दी, वो वहाँ पे उसे बहुत मनाती है और कहती है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या अपने लव को ऐसे ही डेंजर में छोड़ देते, जिसके बाद जुलैन को आखिरकार मानना ही पड़ता है। शैनलुओ जब अपने घर आती है तो उधर क्विंगहुआ भी आता है उससे मिलने के लिए और उसे वहाँ पे पता चल जाता है कि शैनलुओ जुलैन से मिल के आई है, तो वो वहाँ पे जुलैन के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोलता है
लेकिन शैनलुओ वहाँ पे जुलैन की साइड लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्विंगहुआ भी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन अगर जुलैन ने फिर से तुम्हें डेंजरस सिचुएशन में डाला तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है।